नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। आइए नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। जबलपुर जिला सहकारी बैंक में 41 लाख रुपए की चोरी। जिला सहकारी बैंक मर्यादित लिमिटेड की सहपुरा स्थित ग्रामीण बैंक की शाखा में बीती देर रात सेंधमारी करके बदमाश बैंक के अंदर गए और लॉकर को गैस कटर से काटकर उसमें रखे लगभग 81 लाख रुपए नकदी की चोरी कर ली। यह राशि किसानों के लिए मूंग व उड़द की फसलों के भुगतान के लिए रखी गई थी। इस घटना की जानकारी लगते ही हड़कंप मच गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी FSL की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि आज बुधवार की सुबह ग्रामीण बैंक की सहपुरा शाखा को सुबह खोलने पहुंचा कर्मचारी जब मेन गेट का ताला खोलकर अंदर पहुंचा तो वहां की हालत देखकर घबरा गया। अंदर पूरा सामान अस्त व्यस्त था। पीछे की दीवार में सेंधमारी के कारण एक बड़ा होल बना हुआ था। अंदर लॉकर रूम के बाहर का भी ताला टूटा था। अंदर लॉकर भी टूटा पड़ा था और उसके अंदर से नकदी गायब थी। शेष कागजात बिखरे पड़े थे। इस घटना की सूचना तुरंत ही बैंक मैनेजर को दी गई, जो मौके पर पहुंचे और पुलिस को खबर की। बताया जाता है कि जब पुलिस जांच करने पहुंची तो लॉकर के अंदर कई नोट जले भी मिले। माना जा रहा है कि नोट गैस कटर के कारण जले होंगे। लॉकर के अंदर 80,90,000 से ज्यादा नगद राशि थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आश्चर्य की बात यह है कि बैंक का CCTV कैमरा पिछले काफी समय से खराब पड़ा हुआ है। इसे दुरुस्त करने का कोई प्रयास बैंक प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया। पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरे के जरिए संदिग्धों की खोजबीन शुरू कर दी है। स्पॉट को और वेरीफाई कर रहे हैं कितना पैसा गया है। पीछे से ग्रिल टूटी है और सेफ का ताला जो दोनों खुले हुए हैं और FSL की हमारी टीम आ रही है। उसके बाद जो बारीकी से निरीक्षण करने के पश्चात पता चलेगा कितना एक कैसे अमाउंट गया है। कल ही इनके पास में 50 लाख रुपये लगभग आया था। बाकी कुछ बैलेंस और था जो किसानों को बटना था। करीबन 87 लाख का बता रहे हैं और 87 लाख समथिंग का पूरा। बाकी डिटेल और देखते हैं कितना उनका स्टेटमेंट देते हैं और FIR में क्या लिखवाते हैं। अभी FIR होने को है। बताया जा रहा कुछ नोट जले हुए हैं। वो उन्होंने जो है पीछे से ग्रिल जो है कटर से निकाली है और बाकी सेफ में भी जो है वो लगाया है चोरों ने। तो उसमें पैसे उसमें जले हैं। कुछ 2-4 जले हुए नोट वहाँ पड़े भी हुए हैं। तो पीछे से जो खाली मैदान है उसकी वजह से पीछे से जो इनकी खिड़की है वहाँ से एंट्री हुई है। अब देख रहे हैं तिजोरी पूरी शॉप में कुछ कैश छोड़ गए हैं। अभी देख रहे हैं खोल के, एक्सपर्ट हमारे जो देखेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे। सर जो चोरियाँ हो रही सैतरा नगर में अभी तक बंद होने का नाम ही नहीं ले रही हो रही है, बड़ी चोरी है ये निश्चित तौर पर। जिसमें तरीके से किया गया है व्यवसायिक जो है चोर हो सकते हैं, जो आदतन चोर हैं वो हो सकते हैं। इसके बारे में हम लोग जो है पूरी टीम को लगा करके FSL की टीम और हमारी जो डॉग स्क्वाड और साइबर एक्सपर्ट की जो टीम रहती है उन सबको लगाया गया है और निकाल रहे हैं इसको। 80,90,743 रुपये कैश था। अब चोरी होने के बाद में जब ये तिजोरी खोलेंगे तब पता चलेगा कि क्या बैलेंस बचा हुआ है कि पूरा चला गया। आपको कब जानकारी लगी चोरी की? 10:30 बजे। किसके द्वारा? जो 10:30 बजे जैसे ही हमारे चपरासी ने खोला तो वहाँ का ताला टूटा हुआ था। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, हेड ऑफिस को इन्फॉर्मेशन दिया, जिसके बाद अब ये कार्रवाई चल रही है। ये कैमरे की जानकारी लगी आपको? कैमरे 1 साल से बंद है। हाँ, कैमरे 6 महीने। बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। कैमरा तो बंद है साहब, इसके लिए मैंने ऊपर लिखा पड़ी की थी कि कैमरा को नया लगाया जाए, बदलवाया जाए। 4-5-6 महीने 6 महीने से नहीं लगता है। लापरवाही सर ये बैंक। हाँ, बैंक में जानकारी है बाकायदा। नहीं, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। कैमरा खरीदे जा रहे हैं नए, पूरे जिले में लगवाए जा रहे हैं। तो चोरी के बाद ही मतलब लगाए जाएंगे? अब चोरी के पहले लगे थे, बंद है भाई कैमरा। जी नाम बताएं सर, यहाँ कोई चौकीदार क्यों नहीं रहता है? चौकीदार नाइट में है नहीं, दिन का चौकीदार है तो जो दिन में ड्यूटी करता है। अब वो तो ऊपर लेवल के अधिकारी नियुक्त करते हैं, मेरे को नियुक्ति का पावर नहीं है। अवगत तो पूरे जिले में है, मतलब अधिकारियों को अवगत है कि चौकीदार रहना चाहिए। नहीं, चौकीदार की ड्यूटी उन्हीं की द्वारा दी जाती है कि कौन चौकीदार को कहाँ पदस्थ किया जाता है। तो इतना कैश होने के बाद आपने अवगत नहीं कराया बड़े अधिकारियों को कि कैश है, चौकीदार की जरूरत है रात में? नहीं, अब वो तो चौकीदार की जरूरत है रात में, तो चौकीदार तो एक ही है ना हमारे यहाँ, वो तो रात दिन में काम किया उसने। दिन में रोज कितना कैश आता है आपको? लगभग रोज कैश का कोई अंदाजा नहीं रहता, जब डिमांड होती तभी आता। जबलपुर से कदीर खान की एक रिपोर्ट।